माला लगाई के बदन पे अपने कफन को सजाई के जुल्म की दुनिया में है जिसने आग लगाई, घोड़े पे बैठ के आई है मुन्नी बाई। नहीं सरदार, हमने बिहड़ का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन पगला डाकू का कहीं पता नहीं चला। हमने तवायब के कोठे तक छान डाले फिर भी पगला डाकू कहीं नहीं मिला। फिर कहां गया पगला डाकू, कहां गया? धरती की कोख में जाकर समा गया या आसमान की चादर ओढ़कर सो गया या फिर पानी बनकर दरिया में बह गया? कहां गया, कहां गया? क्या मुन्नी बाई नाम की मोरनी शेरनी बनकर मुझे तराश कर रही है? हाँ सरदार, मुन्नी बाय के आदमी कुत्तों की तरह तुम्हारी खुशबू सूंघते फिर रहे हैं। खुशबू? तब तो वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकती क्योंकि मेरे बदन में से हमेशा बदबू आती है। सूंघा। सरदार, आज हमें मलिकापुर डाका डालने जाना है और उसका रास्ता काली पहाड़ी होकर के गुजरता है। सुना है मुन्नी बाई का अड्डा वही कहीं है। मैं तो वहीं से जाऊंगा, घोड़ों की टापों से कुचल कर उसकी थजियां उड़ा दूंगा। रुक जा पकड़ा डाकू, तेरी मौत सामने है। मुन्नी बाई, क्यों मेरा रास्ता रोक के खड़ी है? तेरा ही इंतजार कर रही थी पगला डाकू, मेरे आदमी ने तुझे सारे बिहड़ में ढूंढ लिया रे। अरे मैं हूँ पगला डाकू, बंदूक जिससे डरती है, तोप जिससे डरती है और डरते हैं सारे डाकू, उसका नाम है पगला डाकू। मुन्नी भाई, मेरा रास्ता रोक कर तूने खुद अपने आप को मौत की भट्टी में झोंका है। मौत की भट्टी में तो मैं तुझे ठंडा कर दूंगी और ज्यादा खड़ा तो तेरी नाक में डंडा कर दूंगी। जिसने तुझे खाक में मिलाने की कसम खाई है, देख तेरी जानी दुश्मन डाकू मुन्नी बाई आई है। एक छोटी सी लड़की मुन्नी से मुन्नी बाई बन गई, लड़की से लड़ाकू बन गई, जो कभी मोम थी आज मौत का लोहा बन गई। मोम को मौत का लोहा बनाने वाला तू है। तू याद कर तूने कितने जुल्म किए हैं मुझ पर। क्या बात है सरदार, आज बहुत गुस्से में हो? पगला डाकू से टकरा हुआ था, आज उसके हाथ में गोली मारी है। तो
कल उसके सीने पे गोली मारूंगी। अच्छा हुआ गोली हाथ में लगी सरदार, अगर सीने पे लगी होती तो मर गए होते। मरने की बात छोड़, ये बता मेरी बेटी हीरा कहाँ है? हीरा भाई डाका डालने गई है सरदार, वह रास्ते में कहीं रुक कर धुएं उड़ा रही होगी। नाम है मेरा हीरा भाई, मगर प्यार से लोग मुझे कहते हैं चीरा भाई। क्यों? क्योंकि जो मेरी बात नहीं मानता ना, उसके मैं चीर के दो टुकड़े कर देती हूँ रे। हीरा भाई, हीरा भाई। क्या खबर लाया है रे? एक लड़की ने तेरे बाप को गोली मार दी है। नाम का है रे? उसका नाम है मुन्नी भाई। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, हम तुम्हारे जीवन की जड़ को जमीन से उखाड़ के फेंक देंगे। हम तुझे नरक में झोंक देंगे। तू चिल्लाएगी, बहुत चिल्लाएगी, मगर ये हीरा भाई तेरी लाश के ऊपर चील बन के मंडराएगी। मुन्नी सरदार, पगला डाकू की बेटी तुझे मारने आ रही है। लोग कहते हैं वो मौत का दरिया है, दरिया। अगर वो दरिया है रे, तो हम है समंदर। और देखना ये है रे कि ज्वालामुखी छुपा है किसके अंदर। चलो सरदार, उसे घेर के बाहर डालते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये एक नारी का नारी से टकराव है। हम अकेले जाएंगे और उसकी लाश को खींच के लाएंगे। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, कहाँ छुपी है? बाहर निकल कमीनी। देखिए हीरा भाई, तेरे जीवन में मौत का अंधेरा फैलाने आई है। देख, ये हीरा आई है तेरे बदन का चीरा करने। बाहर निकल मुन्नी भाई। गली में दौड़ना पड़ेगा और इस छोटी सी उम्र में कफन को ओढ़ना पड़ेगा। भाई तू मुझे नहीं जानती है रे। नागिन मेरे जहर से और लोमड़ी मेरे मक्कारी से डरती है और शेर में भी झपटती है ना, तो कुतिया की मौत मरती है रे। क्योंकि ये हीरा भाई कोई लड़की नहीं है, मौत की सीटी है सीटी। ये किसी ऐरे गैरे की नहीं, पगला डाकू की बेटी है बेटी। तू पगला डाकू की बेटी हो या अम्मा, मुझे क्या करना है? तूने मुन्नी भाई को ललकारा है और ललकारने वाले को मुन्नी ने जान से मारा है। आ गया डॉक्टर कवाल खान आ गया। अल्लाह बोलो बे। इस वक्त साहब आप यहाँ? डॉक्टर, क्या तुमने डाकू मुन्नी भाई को देखा है? डाकू मुन्नी भाई और यहाँ? नहीं सोटा नहीं। ठीक है, एक मिनट। आपकी दाई आंख फड़क रही है, लगता है आपकी दाई आंख में सुअर का बाल है।
क्या आप बकते हो डॉक्टर? आदमी की आंख में सुअर का बाल कहां से हो सकता है? हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, जब आदमी अपनी खुद की बीवी छोड़कर पराई लड़कियों के पीछे लाल टपकाता घूमे ना, तो आदमी की आंख में सुअर का बाल आ सकता है। खामोश डॉक्टर। ऐसा लगता है किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया और इतनी बदबू आ रही तुम्हारे मुझे। खामोश डॉक्टर, मेरी बात कान खोल करके सुन लो। डाकू मुन्नी बाई इसी इलाके में आई है, अगर तुम्हारी नजर पड़े तो मुझे फौरन इतला करना। वही मुन्नी बाई ना जिस पर एक लाख रुपए का नाम है? हाँ। अरे तुम फिकर मत करो इंस्पेक्टर साहब, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं लाके आपके हवाले कर दूंगा, एक लाख रुपए खटाखट ले लूंगा। ठीक है। हे माँ जगदम्बा, एक बार मुझे मुन्नी बाई से मिला दे ताकि देख के इंजेक्शन कर दूं उसे लंबा, और फिर मुझे मिलेगा एक लाख, एक लाख, एक लाख, एक लाख। मुन्नी बाई तू रबाब रबाब। डॉक्टर तुझे एक लाख नहीं, एक लाख जरूर मिलेगी। ओए मेरी माँ। बापू मैंने मुन्नी बाई को मार मार कर लातों गुस्सों से अधबरा कर दिया है, करीब था कि मैं उसे गोली मारकर बदला ले लेती, मगर मगर पुलिस वाले धाए धाए करते हुए आए और मेरी प्यारी भतीजी को मैदान जंग छोड़ना पड़ा। लेकिन टकला चाचा तुम्हें कैसे पता चला? मेरे राज दुलारे भाई तुझे कैसे पता चला? अरे दस दस कोस पर अगर सुई भी जमीन पर गिरती है ना, उसकी आवाज भी इस टकले के कानों में आती है, और दो चट्टानों में टकराओ मुझे पता ना चले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चाचा मैं मुन्नी बाई को छोड़ूंगी नहीं, उसका जीना मुश्किल कर दूंगी। बेटी मेरी बात मान के कुछ दिन के लिए इस ठिकाने से निकलना बंद कर दे। वो क्यों बापू? वो इसलिए कि तेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में नहीं है। अगर मुन्नी बाई के बाद तेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में आ गया तो पुलिस के कान खड़े हो जाएंगे। कान खोल कर सुन लो, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुन्नी बाई को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। इस मजमून के पोस्टर छपा कर सब जगह लगवा दो। अब देखिएगा सर, मुन्नी बाई बहुत जल्द पकड़ी जाएगी। ये दावा तुम जाने कितनी बार कर चुके हो लेकिन आज तक कुछ नहीं कर सके। लगता है मुझे शहर से कोई काबिल और बहादुर ऑफिसर बुलाना पड़ेगा। अरे ओ बाबू कौन है रे तू, और इन पहाड़ों में क्या कर रहा है तू? मेरा नाम शंकर है, इंस्पेक्टर शंकर। मैं शहर से आया हूं, मेरा इस घर का बहुत पुराना संबंध है। मैं और मेरी दोस्त मुन्नी बाई दोनों बचपन में यहां खेला करते थे, पर एक दिन तकदीर ने ऐसा तमाशा दिखाया कि सब उल्टा पुल्टा हो गया। मगर तुम कौन हो? सब पता चल जाएगा, पहले थाने तो जाओ। मेरा नाम इंस्पेक्टर शंकर सिंह है। ओ इंस्पेक्टर शंकर सिंह, मैं जानता हूं सर कि कमिश्नर साहब ने खास तौर पर आपको मुन्नी बाई को पकड़ने के लिए भेजा है। तो लीजिए दर्शन कीजिए मुन्नी बाई के। ये मुन्नी बाई? क्या हुआ सर, फोटो देखते आपको पसीने छूटने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं मुन्नी बाई को पकड़ने का आपने इरादा ही बदल दिया? इंस्पेक्टर मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लो, यही तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी बात रहेगी। आई एम सॉरी सर। मुझे मुन्नी बाई की फाइल दो। ये लीजिए फाइल। मुझे एक और फाइल चाहिए जो 12 साल पुरानी है। 12 साल पुरानी? तुम ये 12 साल पुरानी फाइल खोल कर क्या साबित करना चाहते हो? देखो इंस्पेक्टर शंकर, मैंने तुम्हें मुन्नी बाई को पकड़ने के लिए बुलाया है। सर इस फाइल का और मुन्नी बाई का 12 साल पुराना संबंध है। सर इस कहानी की शुरुआत 12 साल पहले हुई थी, जिसकी वजह से मुन्नी को मुन्नी बाई डाकू बनना पड़ा और मुझे इंस्पेक्टर। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो?
सर मैं आपको उस दिन की बात बताना चाहता हूँ जब ये दो मुजरिम पगला डाकू और गब्बर सिंह जेल में थे। पगला हवलदार राम सिंह ने हरामी पन से हमें पकड़वा दिया और उस पे ये कि सरकार उसे इनाम देने वाली। उस कुत्ते को तो इनाम हम देंगे। हम इधर आ, सुन। वाह मुन्नी बिटिया वाह, तूने तो कमाल कर दिया। इम्तिहान में पहला नंबर लेकर आई तू। बोल क्या इनाम लेगी? बापू मुझे एक बंदूक दिला दो ताकि मैं बड़ी होकर पुलिस वाली बनूं। अच्छा? हाँ बापू, जब से अपने डाकू को पकड़ा है मुन्नी यही कह रही है कि उसे पुलिस वाला बनना है। अरे मुन्नी बेटे पहले तू बड़ी हो जा, फिर बंदूक भी मिल जाएगी और तू पुलिस वाली भी बन जाएगी। अब ऐसा कर बेटे, वो तेरा दोस्त शंकर है ना, शंकर उसके साथ जाकर खेल। ठीक है बापू। बापू क्या आपको डाकुओं से डर नहीं लगता? अरे बेटा डाकुओं से डरेंगे हम पुलिस वाले तो फिर देश की सेवा कहाँ से करेंगे। मुन्ने देश का होगा सो होगा, पर मैं तेरा भेष बदल दूंगा। इन खाकी रंग के कपड़ों को सफेद रंग के कफन में बदल दूंगा, लेकिन मरने से पहले वो देख गब्बर सिंह ने तेरे गांव को आग लगा दी है। जिस गांव को तूने सजाया था दरोगा, उस गांव को मैंने जला के राख कर दिया है। बेटी तू भी राख हो जा। भाग जा बेटी, भाग जा बेटी। अब कहां चली? और सर उस आग ने सब कुछ जला कर राख कर दिया और ना जाने मुन्नी भी कहां चली गई। और सर जब यहां आया तो मालूम पड़ा कि वो मुन्नी अब मुन्नीबाई डाकू बन गई है। वाकई बड़े दुख की बात है। सर ये फाइल उन्हीं दो मुजरिमों की है जिन्हें मुन्नी जान से मार देना चाहते और मैं कानून द्वारा सजा देना चाहता हूँ। इस हादसे को गुजरे 12 बरस बीत चुके हैं, न जाने वो मुजरिम कहां होंगे। सर वो जहां भी होंगे कानून उन्हें जीने नहीं देगा और मैं मुन्नीबाई को चैन के दिन सोने नहीं दूंगा। नहीं सरदार कुछ नहीं देखा। क्यों रे, तेरी माँ को नहीं है, तेरी बहन को नहीं है? आ थू साला, अगर दोबारा किसी ने बुरी नजर डाली तो उसकी। सरदार सरदार, इंस्पेक्टर शंकर आपसे बिना हथियार के मिलना चाहता है। ठीक है हम जरूर मिलेंगे। क्यों रे दरोगा, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है जो हमसे मिलना जरूरी हो गया? मुन्नी मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं ही तुम्हारा शंकर हूँ, सिर्फ तुम्हारा शंकर। अरे तुम शंकर हो, कांटा हो या कंकर हो, हमें का लेना देना। हम तो बस इतना जानत है कि तुम इंस्पेक्टर शंकर हो। तुम इंस्पेक्टर शंकर को भूल के अपने बचपन के दोस्त शंकर को याद करो। हमारी मंगनी होने वाली थी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ मुन्नी, लौट आओ मेरी दुनिया में, छोड़ दो इस दुनिया को। ठीक है शंकर, अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो पुलिस की वर्दी उतार कर डाकू का चोला पहन लो। क्या मतलब? मेरा साथ दो शंकर, मेरा साथ दो तो ये मुनिया तुम्हारी हो जाएगी। वादे याद दिलाना बहुत आसान है शंकर, वादे निभाना बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल का एक ही हल है कि हम पुलिस को खबर कर देते हैं। नहीं नहीं पुलिस को खबर मत करना, अगर मुन्नीबाई को मालूम हुआ कि हमने पुलिस को खबर की तो वो हमारे बच्चे को मार डालेगी। हम ऐसा करते हैं कि उसे 5 लाख रुपए देकर हमारा बच्चा ले आते हैं। ठीक। मुन्नीबाई तुझसे ये मेरा वादा था कि मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, इसलिए जमींदार हरनाम सिंह के बच्चे को मैंने अगवा किया है और नाम तेरा दिया है रे। जानती है फिर उतु की पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। अरे मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, अरे मुन्नी भाई, अरे देख हम 5 लाख
रुपए लेके आए हैं, रुपया ले ले और हमारा बच्चा दे दे। सुन ले, तेरे माँ बाप आए आज तुझे उनके हवाले करके फिरोदी के पूरे 5 लाख रुपए हासिल करूंगी। अरे ये मुन्नी भाई अब तक क्यों नहीं आई? कहीं हमको आने में देर तो नहीं होगी? कहीं हमारे बच्चे को मार तो नहीं दिया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये मुझसे क्या भूल हो गई? इसके माँ बाप को क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी? इससे पहले कि वो लोग आ जाए मैं इसे दफन कर दूंगी। कौन हो बेटी तुम और रो क्यों रही हो? और ये कब्र किसकी है? मेरा नाम हीरा भाई है, मेरा बच्चा मर गया है, ये उसी की कब्र है। तो कितनी ममता की मारी है, और एक वो कमीनी मुन्नी भाई जिसने दौलत के लिए मेरी गोद सूनी कर दी। लगता है मुन्नी भाई अब नहीं आएगी, उसने हमारे बच्चे को मार दिया होगा। चलो हम चलते हैं। मुन्नी भाई एक बात याद रखना, तूने मेरे बच्चे को मार के बहुत बड़ा पाप किया है। जिंदगी में कभी तुझे हंसना नसीब नहीं होगा, तेरी हर खुशी मेरे आंसुओं में डूब जाएगी। हे भगवान, ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूंगी? हीरा भाई मेरे बच्चे को बचा लो, डाकू काले सिंह मेरे बच्चे को उठा ले गया है। मैं इस बच्चे को बचा के अपने गुनाह का प्रायश्चित जरूर काला सिंह, तूने एक माँ की गोद से उसके बच्चे को छीन के अच्छा नहीं किया। काला सिंह, ये नन्हा सा बचकुंडा हमार 50,000 का लॉटरी बा। बहुत ऐश करेगा ये पैसा से काला सिंह। काला सिंह, बच्चे को मेरे हवाले कर दे। बड़ी कटीली नचनिया लग रही हो हीरा भाई, ये बच्चा बच्चा छोड़ और लग जा हमारे चौड़े सीने से। अगर हीरा भाई को सीने से ही लगना होता ना, तो किसी मर्द के सीने से लगती, तेरे जैसे हिजड़ों के मुंह पर तो मैं थूकती तक नहीं। ओ हिजड़ा बोली हमको। कौनो बात नहीं, हिजड़ा बोल जो दिल में आए बोल, काला सिंह को कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ, क्योंकि तू कुत्ता, कमीना, जलील, हरामी और स्वर्ग का बच्चा है रे। बस ही दो चार टू गाली आता है तेरे को और नहीं आता है ना, जरा हमको कस के गाली दे, हमको बहुत मजा आता है। तू अगर अपने बाप की बेटी है ना, तो जरा काला सिंह को गुस्सा दिला के दिखा। मुझे पता है काला कि तुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि तू पक्का नामर्द है। अच्छा, तभी तो एक बच्चे के खातिर तूने 10 बार शादी की और एक बार भी बच्चे का बाप नहीं बन सका। काला सुना है तू जब बीड़ो में रहता है तब तेरी पत्नी रात पड़ोसी के घर काटती है। हीरा भाई, देखा मेरे एक छोटे से झूठ ने तुझे कितना बड़ा गुस्सा दिला दिया रे। जो हमको गुस्सा दिला देता है हम उसका सीना फाड़ देता हूँ। और मैं सीना फाड़ने वाले का कफन फाड़ती हूँ काला सिंह। बहुत हिनहिना रही है बेलगाम घोड़ी, तेरी जिंदगी रह गई है थोड़ी, मार दो इसे। काला सिंह, अगर जीवन का उजाला चाहता है तो बच्चे को मेरे हवाले कर दे, वरना मौत के कोयले से तेरे मुंह और भी काला कर दूंगी। बच्चा मेरे हवाले कर। ठीक है, हमें मत मार, तू बचकुंडा ले जा, ले जा, ले जा। तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पहले इस बच्चे को उसकी माँ के हवाले करना ही पड़ेगा। रुक जाओ हीरा भाई।
कहां चली गई? तुम लोग यहां देखो, मैं उस तरफ देखता हूं। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा मेरे बच्चे, वरना तेरी आवाज से पुलिस आ जाएगी। चुप हो जा मेरे बच्चे। हे भगवान, इसे कैसे चुप कराऊं? इस ममता का धोखा देना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैं इस मासूम बच्चे को ममता का धोखा दे रही हूं। क्या नजारा है! ऐसा नजारा तुझे अपनी अम्मा के गोद में देखने को नहीं मिला था क्या? मिला था, लेकिन कुंवारी माँ को पहली बार बच्चे को दूध पिलाते देख रहा हूँ। अरे पहले माँ बन जा, फिर बच्चे को दूध पिलाना। मैं माँ नहीं हुई तो क्या हुआ रे? ममता मेरे सीने में कूट कूट के भरी हुई है। अच्छा, दरोगा ममता से मत टकरा, वरना तेरे अम्मा को तेरे भयानक मौत पर खून के आंसू रोना पड़ेगा। अरे इस बच्चे को मारकर मैं तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा हीरा भाई। दूध पिलाने का बहुत शौक है ना तुझे, चल मैं तुझे माँ बनाता हूँ। रुक जाओ असलम खान, लड़की की तरफ बढ़े तो गोली मार दूंगा। अरे हीरा भाई है, डाकू हीरा भाई। अरे इससे बड़ा डाकू तो तू है, जो एक लड़की की इज्जत पे डाका डालने चला है। हा? अरे हीरा भाई कहां गई? ये लो बहन तुम्हारा बच्चा। हीरा भाई तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचाया है, भगवान करे तुम सदा खुश रहो। किसने मेरा पहले? मेरा, मेरा है पहले। चुप! डॉक्टर मैं हूं, तुम नहीं। आप सबसे पहले आ जाओ। अभी चेक करता हूँ। बताइए आपको क्या बीमारी है? मुझे आजकल फिल्मी हीरो के सपने आते हैं। अच्छा, कभी शाहरुख खान आता है, अरे बाप रे, कभी सलमान खान आता है और गुदगुदी करने लगता है। अरे आमिर खान पता है क्या कहता है? चलती है क्या खंडाला? क्यों जॉनी लीवर नहीं आता क्या? अरे हट परे, वो मुआ तो मुझे राखी बनवाता है, वो कैसे आएगा? तुम्हें तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, तुम्हें तो पहले चेक करना पड़ेगा। ये बीमारी ऐसी खतरनाक है, इसके लिए कपड़े उतारना पड़ेगा। उतारो। तो क्या कपड़े उतारने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? अरे क्यों नहीं, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं बल्कि 3-4 किलोमीटर दूर जाएंगी। तो चलिए ना, खोलिए ना। आए, अरे तुम्हारी बीमारी मेरे समझ में आ गई है। आइए आइए आइए। तुम्हें फिल्म स्टार की बीमारियां थी ना? जी थी ना। हाँ हाँ। ये साक्षात फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन है, इन्हें बीमारी है। बच्चन, हाय दैया, एक डायलॉग तो बोलकर सुनाइए ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं। जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है। जिगर, जिगर का दर्द कहीं ऊपर से मालूम होता है कि जिगर का दर्द अंदर से नहीं मालूम होता है। आता वर्जय। अरे क्या, तू तो डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन है और तू भी कोई असली डॉक्टर नहीं है, और मेरी बीमारी तू क्या ठीक करेगा? मैं सब समझ गई, चल हट। मैं चली, मैं डॉक्टर हूँ यार। बिल्कुल मैं डॉक्टर ही हूँ। एक कव्वाल से तू डॉक्टर कैसे बन गया है? अबे बना बना काम बिगाड़ दिया मेरा। देखा नहीं तूने मैं डॉक्टर बनके कैसा ऐश कर रहा हूँ, अंदर की बीमारियाँ देख रहा हूँ बाबा। अबे ये जो तेरी अंदर की बीमारियाँ है ना, इनको तू बाद में दूर करते रहना, पहले मेरी बात सुन। यहाँ पर कोई मुन्नी नाम की डाकू है जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। मुन्नी भाई एक बार मिली तेरा बाबा।
क्या लात मारी धीरे जबरदस्त। अबे लात बात को छोड़, पहले मेरी बात सुन। क्यों ना हम दोनों मुन्नी भाई को पकड़ लें और 5 लाख रुपए का इनाम है वो हम दोनों ले लें। कुछ सोच। कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि महाकाल डाकू इतना कमी ना निकलेगा। मेरे एक ही इशारे पर उसने लाखों का माल लूटा, माल बिछवा लिया और मेरा हिस्सा भी नहीं दिया। पुलिस ने ठोस कर उसे जेल में डाल दिया। ठाकुर साहब, उसे किसी भी तरह से जेल से निकालिए, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। हाँ, अब मैं महाकाल को जेल से भगाऊंगा और जब पुलिस कमिश्नर को पता चलेगा तो। कमिश्नर साहब गजब हो गया, डाकू महाकाल जेल से भाग गया। क्या डाकू महाकाल भाग गया? डाकू महाकाल की जय जयकार, बंद करो। मैं 5 साल तक जेल में सड़ता रहा और उसकी वजह है शेर सिंह। खोल रहा है मेरा खून, खोल रहा है। सोचते क्या हो ठाकुर, उठा लो शेर सिंह की बहन को। शेर सिंह की बहन? अरे मेरी कमला, तू तो दिन में चांद की तरह चमक रही है रे। महाकाल, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश की तो मेरा भाई शेर सिंह अपने फौलादी घूसों से तेरा चकना चूर कर देगा। अरे तेरे भाई को तो ऐसे रगड़ूंगा जैसे तमाकू में चूना रगड़ा जाता है और फनकी मारने के बाद उसे उड़ा दिया जाता है। अरे आना मेरी 6 छटा की दुल्हनिया, अरे आ, अरे मेरे मन भर के सीने से लिपट जा, अरे आना। अब लड़की को हाथ लगाया तो भून के रख दूंगा। पुराने पापी, किसने ये तेरी गर्दन नापी? तू तो ऐसे भाग रहा है जैसे बंदूक की गोली तेरा पीछा कर रही हो। मुझे बचा लो टकला, मुझे बचा लो ठाकुर, नहीं तो वो शेर सिंह मुझे मार डालेगा। मुझे बचा लो। बहुत अच्छा हुआ साला, सबकी चमड़ी नोचता है और मुझे एक थमड़ी तक नहीं देता। देखो मैंने लूटी हुई सारी दौलत तुम दोनों में बांट दूंगा, लेकिन मुझे उस शेर सिंह से बचाना। मैं बिनती करता हूँ। तूने बिनती की है बात तो बनानी पड़ेगी ना। तू ऐसा कर, तू शहर भाग जा और शेर सिंह को ये टकला रोकेगा। अच्छा तो तुम शेर सिंह से निपटो, मैं शहर भाग जाता हूँ। आ शेर सिंह, आ टकले, महाकाल कहाँ है? महाकाल तो तेरी हवा निकाल के चला गया। अब तू भी जा किसी वीराने में जाकर महाकाल का नाम ले लेकर अपना सर पटक पटक पटक। आंखें फाड़ फाड़ क्यों देख रहा है मुझे? मेरा नाम टकला है टकला, इस टकले ने इन पहाड़ों के सीने तोड़े हैं और दुश्मनों के रिश्ते मौत से जोड़े हैं। बता दे महाकाल कहाँ है वरना टकला फोड़ दूंगा। आसमान हो या पाताल हो, कोई भी इस टकले से टकराने की कोशिश नहीं कर सकता। जल्दी बता दे वरना तू बचेगा नहीं। Yeah.
कहीं तेरे पीछे शेर लग गया है क्या? पगले भैया, मैं शेर सिंह ने अपनी जान बचाते बचाते भागता हुआ तेरे पास आ गया हूँ, तो मैं जाता हूँ या शेर सिंह को मारूंगा या खुद मरूंगा, पर तेरी तरह कीचड़ बन के नहीं भागूंगा। रुक जा शेर सिंह, गोली मत चलाना वरना पड़ेगा और तीर उठाना। कुत्ते, तेरा गुस्सा देखकर मुझे वो तिनका याद आता है जो तूफान से टकराकर चकना चूर हो जाता है। तूफान को तिनका समझने वाले रावण, देख मैं तेरी लंका कैसे जलाता हूँ। हीरा भाई, तुम्हारे बापू को शेर सिंह ने गोली मारी और वो मर गया। कितनी गोली लगी थी हमारे बापू को? एक। बस एक गोली? एक गोली लगी और तू समझा मेरा बापू मर गया? अरे मेरा बापू कोई कच्चा धागा है जो खींचने से टूट जाएगा। मेरा बापू लोहा है, लोहा जिसके दिल में सुराख करने के लिए बारूद को भी पसीना आ जाता है। मेरा बापू नहीं मर सकता। सरदार, पगला डाकू शेर सिंह के डर से भाग गया। शेर सिंह, तूने मेरे शिकार को भगा दिया, बहुत बुरा किया रे, बहुत बुरा किया। मेरा शिकार निशाने पर था, मर जाने पर था, मगर तेरे डर ने उसे पर लगा दिए और वो हवाओं में उड़ता हुआ गुम हो गया। याद रखना शेर सिंह, एक दिन मैं तेरा शिकार भी छीन लूंगी। सरदार, शेर सिंह ने उसे गोली मारी है, वो मर भी सकता है। वो मर नहीं सकता, वो जिंदा रहेगा। वो मरेगा तो सिर्फ मुन्नी बाई की गोली से। मंगलू, मेरा भाई गोली से नहीं मर सकता, उसको मारने के लिए बम का गोला चाहिए, गोला। अरे ठाकुर साहब, बम के गोले को छोड़िए, इस गांव में बम की गोली आई है, गोली। अरे चोली उसकी तंग है, देखने वालों में जंग है। कौन है वो गोली? अरे ये देखिए। मरवाएगा क्या? ये तो मुन्नी भाई है। अरे नहीं ठाकुर साहब, ये मुन्नी भाई नहीं, उसकी हम शक्ल राम कटोरी है, राम कटोरी। क्या करते है ये? अरे मुजरा करती है। मैं मुजरा करने वाली हूँ, मैं मुजरा करने वाली हूँ, मैं मुजरा करने वाली हूँ, मैं मुजरा करने वाली हूँ। मेरे कई रूप है, कई नाम है, लोगों का दिल बहलाना मेरा काम है, देखिए फिर भी मुझ पे
अरे कुंदन ठाकुर, लो आपकी आ गई, लचक लचक कर, ठुमक ठुमक कर, अरे मुजरा करने वाली आपकी राम कटोरी आ गई, ये देखिए। कौन है बेतु घोचू? राम कटोरी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये बड़े भैया टकले ठाकुर का हुक्म है। हाँ, अरे जब तक ठाकुर साहब को कोई हसीना लोरी नहीं सुनाती है तो उन्हें नींद नहीं आती है। लोरियां नहीं, गालियां सुनाऊंगी, गालियां, और वो भी ऐसी गालियां। ए राम कटोरी, ज्यादा बकबक मत कर, समझी, और चल हमारे साथ। नाम तो हमरा है राम कटोरी, बुरी नजर वालों के लिए हम है छप्पन छुरी। अगर तू छुरी है तो हम भी तलवार है, देख हम तुझे कैसे काटते हैं। कुत्ते! अरे कुंदन ठाकुर भाग, अरे भाग, अबे भाग ले, भाग साले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर सिंह, आपने हमारी जान बचाई। एक सलाह देता हूँ, अदाए दिखाकर लोगों को लूटने का ये पेशा छोड़ दो, वरना फिर कोई तुम्हें उठा कर ले जाएगा। गए थे उस कोठे वाली को उठाने और उस शेर सिंह ने ठोक ठुका के तुम्हें भेज दिया। टकले भैया, अगर शेर सिंह मुझे दोबारा मिलेगा तो साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, साले के चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा मैं। धागा टूटा नहीं और चले लोहे का तार तोड़ने, ये तो वही हुआ ना जैसे बंदर सांप के सर को जमीन पर किस किस के मारता है, किस किस के। टकले भैया, पहले अपनी खैर मनाओ, सुना है लोहा सिंह जेल से वापस आ गया है तुम्हारी गर्दन तोड़ने के लिए। आने दो हराम सादे को, उल्टे पांव का उल्टा जूता, ऐसे सुनाऊंगा कि उसका सर अपने आप झुक जाएगा। चल बैठ। देखा खानदानी टकलू लोहा सिंह, मेरी ताकत को देखा। टकला ठाकुर, मुझे मार डाल, अब मैं वो लंगड़ा हो गया हूँ जो बैसाखी के सहारे भी नहीं चल सकता। मार डाल मुझे, मैं तुझे चूहे की मौत मारूंगा। गांव वालों, ये कत्ल किसने किया है? शेर सिंह, इसको टकला ठाकुर ने मारा है। टकला ठाकुर, अब मैं उसे लोहे के चने चबाऊंगा। तो शेर सिंह मुझसे लोहा लेना चाहता है, मुझे लोहे के चने चबाना चाहता है। टकले भैया, मुझे लगता है उसे जरूर किसी शेर ने पाला है, और हमें शेर के गले में पालतू पट्टा डालकर अपना गुलाम बनाने में बड़ा मजा आता है। पट्टा शेर के गले में नहीं डाला जाता, पट्टा कुत्ते के गले में डाला जाता है। अच्छा टकले, ये पंजा देखा है, तेरे चितड़े चितड़े कर दूंगा। भाई साहब, अगर आप इशारा करें तो मैं गोली से उड़ा दूं। कुत्ते के पिल्ले, जा जाके मोहल्ले में पतंग उड़ा, बाके टके, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ। शेर सिंह, शेर सिंह क्यों अपनी जवानी को जंगलों में भटका रहा है? अरे मेरी गुलामी में आ जा, तुम्हें घी और पंजाबी परांठे खिलाकर पंजाबी सांड बना दूंगा, और मैं तुझे टके टके पर बिकने वाली रांड बना दूंगा। खबरदार करने आया हूँ तुझे, वरना बेमौत मारा जाएगा। भैया, शेर सिंह आपको रान बनाने की धमकी दे गया है, कसम है उन बालों की जो आपके सर पर उगे नहीं, मैं उसकी बहन को रंडी बनाकर ही छोड़ूंगा। चल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मारकर मैं अपने भाई का बदला लूंगा। Oh, my God.
राजा कुंदन। बाहर आ ठाकुर। तुम्हारे छोटे भाई कुंदन ने मेरी बहन का कत्ल किया है, उसे मेरे हवाले कर दे। शेर सिंह, मैं कहता हूँ चला जा, चला जा, वरना लकड़ियां इकट्ठी कर करके तेरी चिता बनाऊंगा, तेरी मुर्दा बहन के साथ तुझे भी जिंदा जलाऊंगा। कड़हारे की औलाद, लकड़ियां इकट्ठी करके रखना, उसमें जलता कौन है ये वक्त बताएगा। चींटी होकर पहाड़ से भी ऊंची बातें करता है। ज्यादा बकवास मत कर, तेरे जैसे कई पहाड़ मैंने क्रशर में बजरी बनाकर भेज दिए हैं। टकले, कुंदन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। भैया, शेर सिंह गया ना? हाँ गया। भैया, मुझे लगता है वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुंदन, जिस तरह नाग न्योले से बचने के लिए बिल में घुस जाता है, उसी तरह तू भी मुन्नी बाई के आसपास जाकर पनाह ले ले, और जब शेर सिंह तुझे मारने आएगा तो शेरनी से मुकाबला होगा, तो शेरनी और शेर का मुकाबला होगा, तो तू अपने आप बच जाएगा। जा, मैं कहता जा। मुन्नी बाई, मुझे बचा लो। ये कौन चला आ रहा है रे? मुन्नी बाई, मुझे बचा लो। मुन्नी बाई, मुझे अपनी पनाह में ले लो, नहीं तो शेर सिंह मुझे जान से मार डालेगा। मुन्नी बाई, अरे तो हमरी पनाह में आया है रे, मुन्नी बाई के पनाह में। अब कौन हो माइका लाल, तो के हाथ नहीं लगा सका। कुंदन, कुंदन, शेर सिंह, अब एक कदम आगे बढ़ा तो हमरी गोली तो के छन्नी कर दे। तुम हो मुन्नी बाई, कभी तवायफ बनकर मदद के लिए पुकारती हो, तो कभी बंदूक उठाकर दुश्मनों को ललकारती हो। अरे वो राम कटोरी होगी, राम कटोरी। सुना है हमरी शक्ल उससे बहुत मिलती है, क्यों रे बछवा? हाँ सरदार, बहुत मिलती जुलती है, मगर अकल के मामले में एकदम अलग है। वो का हथियार घुंघरू है और हमरा हथियार बंदूक है। वो समाज की मुजरिम है और हम कानून के दुश्मन हैं। और कंदन मेरा मुजरिम है, उसे मेरे हवाले कर दो। अरे ओ शेर सिंह, ई का हमने पना दिए, और ई को ले जाने से पहले हमरी लाज गिरानी पड़ेगी। अगर मर्द होती तो गोली अभी छाती के पार कर देता। अरे ओ शेर सिंह, भूल गया, एक दिन तूने हमरा शिकार छीना था, पगला डाकू, और आज हमने तेरा शिकार छीना है रे, तेरा पना दिए पना। ठीक है, उस बकरे को खिला पिला कर और भी मोटा कर दे, उसे हलाल करने में मजा आएगा। अरे ओ रामजू, मेहमान को कुछ खिलाए पिलाए कि नहीं? सरदार, जब से खाना खाने बैठा है वो 30 रोटी 3 किलो बोटी डकार चुका है। खाने दो, फलकवा में ठूस ठूस के भर दो। वो कहा है ना, शेर सिंह ने हमको चैलेंज हुआ दिया है। अरे ओ सरदार, शेर सिंह की बहन का बलात्कार किया है इसने और मार डाला उसको, और तू इसे खिला पिला रही है। का? शेर सिंह की बहन का बलात्कार किया है इसने? अरे लोग तो खाना हजम करने के लिए चूरन खाते हैं, चूरन, और ई का खाना हजम करने के लिए हमरी गोली खानी पड़ेगी। इससे पहले कि मुन्नी पर मुझे गोली मार दे, मैं यहाँ से भागता हूँ। अरे ओ बचवा जी, जरा मेहमान को तो ले आ रे। हाँ? तो भाग गया। अरे तादारू तो भाग गया। अच्छा, कौन बात नहीं, हमरी गोली से बच गया तो का हुआ, शेर सिंह की गोली से कहां तक बचेगा। टकला भैया, कुंदन मुन्नी बाई के पनाह से भाग गया। क्या कहा? भाग गया? जब सितारों के टूटने का वक्त आता है
तो ज्यादा चमकने लगते हैं। अब शेर सिंह कुंदन को नहीं छोड़ेगा। कहां तक भागेगा, कहां भी जाएगा, मैं मौत बनकर रास्ता रोक लूंगा। मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं तुझसे डरता नहीं हूँ शेर सिंह। हाँ, मारूंगा या मरूंगा, लेकिन तुझसे मुकाबला जरूर करूंगा। इतना दम था तो यहाँ से भाग कर क्यों गया? मैं भाग कर कहाँ जा रहा था? मुझे मत मारना शेर सिंह। नहीं 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 नहीं, शेर सिंह अपने आप को कानून के हवाले कर दो। शेर सिंह पकड़ा गया? बहुत बुरा हुआ रे, हमरे सीने पर बहुत बोझ पड़ गया रे। अब जिंदगी भर पछतावे की आग में हमको जलना पड़ेगा। आग में तो तुम जल ही रही हो सरदार। क्या कह रहे हरामी? मेरा मतलब सरदार पगला डाकू से है। कब से तो मैं उस पगले डाकू का इंतजार कर रही हूँ रे। आ रे दोस्तों सरे को, वो भी आएगा और उसकी खबर भी आएगी रे। क्या जाने मन, मैं तुम्हारे प्यार की आग में जल रहा हूँ। तुम तो बरसात बनके बरस जाओ, साबुन बनके लिपट जाओ, मेरे तन मन की आग को बुझा दो। हाय, अरे तुमसे अच्छा तो तुम्हारा दोस्त वो डॉक्टर था। अरे जब वो मुझे गोली देता था तब मैं ठंडी हो जाती थी, लेकिन जब वो मुझे इंजेक्शन देता था तब मैं गर्म हो जाती थी। अरे मैडम, आप किसके चक्कर में पड़ गई हैं? वो तो एक नंबर का नकली डॉक्टर है, नकली, समझ गई आप? मैं तो कहता हूँ कि वो लड़कियों को इतना उल्लू बनाता है, कभी किसी के पप्पी लेके चला गया तो कभी किसी को फंसा के चला गया। अरे उसके चक्कर में मत पड़िए, वो तो एक नंबर का 420 है, 420, समझ गई आप? अरे वो 420 पूरा नहीं है, समझे? वो तो मेरा डॉक्टर है और मैं उसकी मरीज हूँ। उसके प्यार का रस मैं तो जी भर के चखूंगी। अरे वो आ गया। हेलो हेलो डॉक्टर, वो आ गया। चोरी हो गई, वो आ गया। हाय मेरी मरीज, तू तो है मेरी कनीज। आज तुम्हें भाग ले जाऊंगा और इंजेक्शन और गोली दवा दिलाऊंगा। ये नहीं चाहिए और ना ही तेरा इंजेक्शन चाहिए, तेरे इंजेक्शन में बड़ा दर्द होता है ना। हाय मेरी बुलबुल, तू तो जानती है मैं डॉक्टर हूँ ना, है ना? इंजेक्शन और गोली के अलावा क्या दूंगा तुझे? नहीं, मुझे तेरा इंजेक्शन और गोली नहीं चाहिए, मैं तो जली। ए, सुनती जा, अरे सुनती जा मेरा गाना तो सुनती जा। अबे ये तेरा गाना नहीं सुनने वाली, ये गांव वाली है, हम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। हम लोगों के लिए तो ये देख, शहर की लड़की ये अपना गाना जरूर सुनेंगी। करस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे सचरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। मेरे प्यार करस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे सचरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। हम तो तेरे घायल हैं, तेरी चाहत में घायल हैं, न ऐसे हमको छोड़ के जा। होटल में खाए किसी डिश
बापू का कुछ पता चला? नहीं, उसका कुछ पता नहीं चला। बहुत बुरा हुआ। आपके बापू को लापता हुए पूरे 40 दिन हो गए। उनको मरा हुआ समझकर उनका 40वां मना लो। चुप है। 40वां मुर्दों का मनाया जाता है, जिंदों का नहीं। मुझे यकीन है मेरा बापू जिंदा है, और एक न एक दिन वो अपने बेटे से मिलने जरूर आएगा। मैं आ गया। पगला डाकू आ गया। पगला भैया, हम लोग उसी गांव में फिर से आ गए हैं, जिसमें हमने हवलदार राम सिंह को गोलियों से भून करके मार डाला था। भैया वो देखो। रुक जा प्रिय। मुन्नी भाई। अरे ओ मुन्नी भाई। हाय 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 हाय। अरे ओ बंदूक वाले, हम मुन्नी भाई नहीं, राम कटोरी है। राम कटोरी? क्या तेरा नाम राम कटोरी है? हाँ, हम मुन्नी भाई की तरह काटा नहीं, हम तो नरम नाजुक फूल हैं। फूल? अरे वाह, गांव की धूल में क्या धूल का फूल खिला है? अरे ओ चपड़कंचू, हमको अगर धूल का फूल कहा तो मार मार के सारा पानी उतार देंगे। 8 आने का पानी और 20 रुपए की रानी, हाय कितनी जालिम है तेरी जवानी। पगला भैया, लड़की तो बड़ी कड़क है। अरे गब्बर, जब सड़क कड़क हो तभी तो उस पर दौड़ने का मजा आता है रे। कहो तो, थोड़ा दूं अपना घोड़ा कड़क सड़क पे। हीरा बेटी, हीरा बेटी, हम आ गए। बापू, मेरे पगले बापू आ गया, मेरे बापू आ गया। बेटी, मैंने मौत को हार मानने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने जीना था तेरे लिए। मुझे पूरा भरोसा था बापू, तू एक न एक दिन जरूर वापस आएगा। अरे हाँ बेटी, याद आया, जैसे ही मैं यहाँ आया मुझे मुन्नी बाई की बजाय उसकी हमशक्ल राम कटोरी का सामना करना पड़ा। क्या मुन्नी बाई की कोई हमशक्ल भी है? सच्ची पूछो तो हूबहू मुन्नी भाई से शक्ल मिलती है। अरे ओ बचुआ, देखा ना पगला डाकू वापस आ गया। हमने कहा था ना, अब वक्त आ गया, वो हमरे हाथों मरेगा। पानी में जले तोरा गोरा बदन। हीरा भाई, अब तुझे पाना जरूरी है, रास्ता ढूंढ लिया मैंने। क्या बे मुन्नी भाई के प्यादे, क्या है तेरे इरादे? हाँ, मैंने मुन्नी भाई का साथ छोड़ दिया है। मैं तुम्हें यह बतलाने आया हूँ कि मुन्नी भाई ने तुम्हारे बापू को गोली मारने की कसम खाई है। तब तो तुम मुन्नी भाई का ठिकाना भी जानता होगा। हाँ जानता हूँ। तो ले चल मुझे उसके ठिकाने पर, इससे पहले कि वो मेरे बापू को ठिकाने लगा दे, मैं उसे ठिकाने लगा दूंगी। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, कहाँ छुपी है? तूने तो कहा था मुन्नी भाई यहाँ मिलेगी, यहाँ तो कोई नहीं है। इसीलिए तो लाया हूँ कि यहाँ कोई नहीं है। हीरा बाई, क्या बोला रे कमीने? अभी बताता हूँ कमीने का कमीनापन। छोड़
उठो। दरोगा, तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शंकर है। शंकर? एक शंकर वो है जिनकी मैं पूजा करती हूँ, और एक शंकर यह है जिसे मैं अपना दिल दे बैठी। मैं इसे अपना बनाऊंगी ही और अपने प्यार का जादू चला के रहूंगी। किन ख्यालों में हो? तुम्हारे ख्यालों में। अच्छा, तुम बड़े बहादुर हो और दिखने में भी अच्छे लगते हो, लेकिन तुम तो डाकू लगती हो। किसके गिरोह से हो? सब कुछ बता दूंगी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो। मुझसे प्यार करोगे? मुझसे ब्याह रचाओगे? बड़ी बेधड़क लड़की हो। बेधड़क तो हुई बाबू, जब किसी इंसान को भूख लगती है तो खाना मांगता है, प्यास लगती है तो पानी से प्यास बुझाता है, और जब प्यार करने को दिल चाहे तो प्यार क्यों नहीं मान सकता? मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। किस से? मुन्नी से। मुन्नी भाई? डाकू मुन्नी भाई तो नहीं? हाँ, वही डाकू मुन्नी भाई, वही मुन्नी भाई, मैं उसे प्यार करता हूँ, वो मेरा नसीब है। अरे उसके नसीब में तो बंदूक की गोलियाँ हैं और फांसी का फंदा। कुछ भी हो, मैं तो उसी से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई तुम डाकू हो और हीरा भाई तुम्हारे प्यार पे डाका डालना चाहती है, काश तुम मुझे मिल जाओ। वो नहीं मिलेगी साहब, अगर आपको मिलना ही है तो मुन्नी भाई की हमशक्ल राम कटोरी को मिलिए जो कि मजा करती है। राम कटोरी? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? सुना है मुन्नी से तुम्हारी शक्ल मिलती है, इसलिए देखने चला आया। लगता है मुन्नी से कोई खास रिश्ता है तुम्हारा। मैं उसे प्यार करता हूँ। प्यार और एक डाकू से? दरोगा बाबू, बारूद से प्यार करोगे तो जलते रहोगे, प्यार करना है तो हम जैसे फूल से करो, कांटों में काहे उलझते हो। राम कटोरी, मुन्नी भाई और तुम में वही फर्क है जो फर्क भगवान पे चढ़ने वाले फूल और कोठे पे उड़ने वाली धूल में होता है। अगर ये बात है तो ये धूल तुम्हें फूल बनकर दिखा देगी और उस दिन तुम्हें हमारे प्यार की कदर मालूम होगी। तुम्हारी तरह ये सपने हीरा भाई भी देखती है। खैर, मैं चलता हूँ। शंकर, शंकर, तुम मेरे हो शंकर, 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 शंकर। हीरा भाई, शंकर के सपने देखना छोड़ दो, वो अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। हाँ, मुन्नी भाई जहाँ बुलाएगी वहाँ जरूर जाएगा। अच्छा, मुन्नी भाई बुलाएगी तो जाएगा? मुन्नी, तुमने मुझे बुलाया? लगता है तुमने मेरी बात मानकर अपने आप को कानून के हवाले करने का फैसला कर लिया है। तुम हीरा भाई? हाँ, मैं हीरा भाई। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें पानी के लिए अगर जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा तो मंजूर है, लो गिरफ्तार कर लो। लेकिन तुम्हारे खिलाफ तो थाने में एक भी शिकायत नहीं है, मैं तुम्हें कैसे गिरफ्तार कर सकता हूँ? अरे मैंने डाके डाले हैं, लाशें गिराई हैं, फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण किया है। लो, डाल दो इन हाथों में हथकड़ी। कम से कम अपने हाथों में तुम मेरा हाथ तो लोगे। ओह, तो ये प्यार का बुखार है। सुनो हीरा भाई, जब तक मुन्नी भाई जिंदा है उसके प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं, समझी? नहीं रहेगी, मुन्नी भाई जिंदा नहीं रहेगी। अरे तू रो क्यों रही है? बापू, मैं इंस्पेक्टर शंकर से प्यार करती हूँ और उसने मुन्नी भाई की खातिर मेरे प्यार को ठुकरा दिया। क्या? मुन्नी भाई के लिए उसने तेरे प्यार को ठुकरा दिया? ये तो सुना था कि पुलिस वाले डाकुओं के सर की कीमत रखते हैं, पर आज ये टकला डाकू डाकुओं के सर की कीमत रखता है। जो भी मुन्नी भाई की मौत को आवाज देगा उसको ये टकला डाकू
5,00,000 रुपए देगा। 5,00,000 का इनाम तो मैं लूंगा। मुन्नी भाई को मौत की आवाज मैं दूंगा। मुन्नी भाई, ओ मुन्नी भाई। सरदार सरदार, बीड़ में चंदन आपको आवाज दे रहा है और आपको ललकार रहा है। आज के बाद उसकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। मुन्नी भाई, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। आज मैं तेरे को मोमबत्ती की तरह पिघला दूंगा। हरामजादे, मैं बड़ी कुत्ती चीज हूँ, तुझे पेड़ के पत्ते की तरह नोच कर फेंक दूंगी। नहीं, नोचूंगा तो मैं तुझे अपने पंजों से चीड़ फाड़ कर रख दूंगा। कसम दुर्गा माई की, तुझे मार मार कर तेरी खाल में गोबर भर दूंगी। क्योंकि तू वो सिक्का है रे, जिसके दोनों तरफ छक्का है लिखा है छक्का। मैं छक्का नहीं हूँ, मर्द हूँ मर्द, मौत का दर्द देने वाला मर्द। नहीं चली, लेकिन तेरी चिता जरूर चलेगी। शक्लें एक जैसी है, मगर मैं मर्दों को नचाती हूँ और तुम
तुम उनके इशारे पे नाचती हो। मैं उन जालिम मर्दों से बदला लेना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ, कमजोर हूँ। नहीं बहन, नहीं, औरत और धरती कभी कमजोर नहीं होती, क्योंकि क्योंकि ये दोनों ही जीवन को जन्म देती है। बहन, तुम मेरी मौत का बदला लेना जरूर, तुम मेरी बहन हो। लो बहन, उठाओ बंदूक, हाँ, और उन जालिम मर्दों का सीना छलनी कर दो। लो, मिटा दो उन मर्दों को जिनके जुल्म से हमें जिंदा जलना पड़ता है। वादा करो तुम मेरी जगह लोगी, और मुन्नी भाई के मरने के बाद भी तुम मुन्नी भाई को जिंदा रखोगी। वादा करो तुम डाकू मुन्नी भाई बनकर मेरे और अपने दुश्मनों से बदला लोगी। वादा करो। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, मुन्नी भाई, आज मुन्नी बाई नहीं राम कटोरी मरी है। मुन्नी बाई जिंदा रहेगी, और जब तक जिंदा रहेगी दुश्मनों से बदला लेती रहेगी। अरे पगले, खुशखबरी, मुन्नी बाई मर गई। अच्छा, वैसे तो मुझे सच बोलने की आदत नहीं है, पर आज मुझे सच बोलना पड़ रहा है। हमारे चंदन ने उसे गोली मार मार के उसका सीना छलनी कर दिया है। हीरा बिटिया, खुशियां मना, झूम झूम के गाने गा, क्योंकि मुन्नी भाई मर गई। बाबू, तुम सच कहते हो मुन्नी भाई मर गए? चंदन ने उसे मार डाला। हाँ। अभी ये खबर मैं इंस्पेक्टर शंकर को दूंगी कि मुन्नी भाई मर गई है। बाबू, फिर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी होगा। क्या करें, कहां जाएं? सरदार तो भगवान को प्यारी हो गई। हाँ, हर जगह ये खबर फैल चुकी है कि मुन्नी भाई मर चुकी है। अरे नहीं रे, मुन्नी भाई इतनी आसानी से नहीं मर सकती। तुम मरी नहीं हो? अरे मर गए मुन्नी भाई को मारने वाले। अगर मौत को मौत आ गई तो हमारे दुश्मनों को कौन मारेगा रे? कहीं तुम मुजरा करने वाली राम कटोरी तो नहीं हो? आराम जाते हमें नचनिया कहता है। अरे वो नचनिया फूल है फूल, और हम है कांटा। बोल, कैसा लगा ये चाटा? वो नचनिया मार सकती है का? नहीं सरदार, उसके कलाई में इतनी ताकत कहाँ। अब बोल, हम मुन्नी भाई है कि नहीं? हाँ सरदार, तुम ही मुन्नी भाई हो। हाँ, हम ही मुन्नी भाई हैं। अब हम पर किसी ने शक किया तो हम उसे गोली मार देंगे। शंकर, आज की सबसे बुरी खबर तुमने सुनी होगी ना? क्या? यही कि मुन्नी भाई मर गई। सुना है कि चंदन ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया है। मेरा दिल तो अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि मुन्नी भाई मर गई है। माना कि प्यार में लोग हमेशा दिल की बात मानते हैं, लेकिन कभी कभी अकल से भी काम लेना चाहिए। मैं अकल से ही काम ले रहा हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूँ जब तक उसकी लाश नहीं मिल जाती? यकीन? यकीन आज नहीं तो कल तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा शंकर कि मुन्नी भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मुन्नी भाई मर गई है, मर गई है, मर गई है। मुझे अपना लो शंकर, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। शंकर, भूल जाओ उसे, मुन्नी भाई मर गई है। अगर मुन्नी भाई मर भी गई है तो उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। समझ में नहीं आता इसके दिल से मुन्नी भाई का प्यार कैसे निकालूं। इंस्पेक्टर शंकर, सुना है कि हीरा भाई आपके प्यार में बहुत पागल है। बेवकूफ लड़की है वो, पर दिल की अच्छी है। एक दिन उसने एक बच्चे की जान बचाई थी, इसलिए उसकी इज्जत करता हूँ। इज्जत करते हो तो मोहब्बत भी कर डालो, और वैसे भी आपकी चहती मुन्नी भाई भगवान को प्यारी हो चुकी है। नहीं, वो जिंदा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक न एक दिन मुझे जरूर मिलेगी। जब तक नहीं मिलती तब तक हीरा भाई से काम चला लो। अरे क्या लग रही थी वो जिस दिन बच्चे को दूध पिला रही थी? नाम मेरा ले रहे हो और नियत तुम्हारी खराब है। मेरी बात मानो तो तुम उसे दूर ही रहना। एक बार तो वो बच्चे की वजह से मजबूर हो गई,
लेकिन दूसरी बार वो तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर देगी। अरे दूसरी बार मिले तो सही, मैं उसे हरामी बच्चे की माँ बनने पर मजबूर कर दूंगा। हरामीपन तो तेरे में कूट कूट कर भरी है, इसीलिए तेरी शक्ल भी कुत्ते से मिलती है। जहाँ भी गंदी चीज देखता है वहाँ मुंह मारता है। हाँ मैं कुत्ता जरूर हूँ, मैं सिर्फ मुंह नहीं मारता, मैं जिसके पीछे पड़ जाऊं उसे काट लेता हूँ। मैं कुत्ता हूँ। औरत की इज्जत का लुटेरा, आज इस दुनिया से कट जाएगा पत्ता तेरा। नहीं रा भाई नहीं, मुझे नहीं मारना। मेरे मरने की खबर मेरी बात सुनेगी ना, वो भी मर जाएगी। अच्छा तो तुझे आज अपनी अम्मा याद आ रही है? अरे याद कर हरामी वो दिन जब तू एक माँ की मासूम औलाद को मारना चाहता था। अब देख आज मैं तुझे मारकर जब तेरी माँ को खबर सुनाऊंगी तो वो मरेगी नहीं, घी की चिराग जलाएगी चिराग, बोलेगी कि मेरा कमीना बेटा मर गया। रहम करो हीरो भाई रहम करो, अरे नारी होकर के इतना बेरहम मत बनो। सदियों से नारियों ने मर्दों पर रहम किया है और मर्दों ने कहा दिया हमका जखम जखम, अरे ना रे ना, अब हम रहम ना करें, अब हम रहम ना करें, अब हम भी देंगे जखम। हीरा नाम है मेरा, कर देती हूँ अच्छे अच्छों का चीरा। नहीं रे भाई नहीं, ये नहीं। डाकू, डॉक्टर साहब रुक जा वरना गोली मार दूंगा। डाकू भाई लोग यहाँ क्या लेने आए हैं आप लोग? हम दवा लेने आए हैं। दवा लेने आए हैं? मैं समझा डाका डालने आए हैं। क्या बीमारी है आप लोगों को? हम सबको पेशाब में जलन होती है। समझ गया, डाका डालते समय जो लड़की सामने आती है उस पर सबके सब टूट पड़ते हैं, ना आगे देखते ना पीछे देखते हैं, बीमारी नहीं होंगे और क्या होगा। क्या करें जल्दी में, आगे पीछे देखने का समय नहीं मिलता डॉक्टर साहब। मुझे तो लगता है तुम लोगों को एड्स हो गया। इस भयंकर बीमारी से बचने का उपाय क्या होगा? इस भयंकर बीमारी से बचने का एक ही उपाय है, ये लो, ये लो निरोध, ये लो निरोध, ये लो निरोध। और एक बात याद रखो, जब भी डाका डालने जाओ जेब में गोली कम निरोध ज्यादा रखना। लेकिन डॉक्टर साहब ये निरोध हम अभी इस्तेमाल करना चाहते हैं। वेरी गुड, लेकिन यहाँ तो कोई लड़की है नहीं, किस पे इस्तेमाल करोगे? आप तो है ना। मुझे अंदर चलो वरना गोली मार दूंगा। नहीं रास्ता बताया और मैं क्या कर रहा है? चुप, मैं किस जमाने का बदला ले रहा हूँ? चुप कर, छोड़ दे, चुपचाप रह, छोड़ दे। वाह क्या मजा है आज, जाओ जाओ तुम लोग भी मजा ले लो। चलो चलो, अरे तू भी आ गया रे। अरे चुप रह, अरे चलो चलो हम भी मजा लेते हैं। छोड़ मेरे को छोड़, अरे तुम सब आ गए। वाह आए क्या निरोध है, इतने सारे डाकू, ये डाकू यहाँ क्या कर रहे थे? आए क्या हुआ भाई, ये डाकू लोग यहाँ क्या कर रहे थे? अरे मेरा सब कुछ लूट लिया रे डाकू ने, मेरी इज्जत लूट लिया डाकू ने। मगर जाते जाते एक काम अच्छा कर गए हैं। वो क्या? मुन्नी भाई का पता बता के गए हैं और उसके साथ एक बात और बता के गए हैं। हाँ। कि वहाँ जाना तो भेष बदल के जाना। ये तो बहुत अच्छी खबर है, फिर तो हम दोनों कव्वाल बन जाते हैं। तो क्यों ना हम दोनों वहाँ कव्वाल बन के जाए। हाँ। अच्छा हुआ कि हम दोनों कव्वाल बन गए, कम से कम इस बहाने से मुन्नी भाई के अड्डे तक तो आ गए। अरे अब तो मुन्नी भाई हमें मिल जाएंगे और साथ में 5 लाख रुपए, आधे तेरे आधे मेरे। कौन हो तुम लोग? अरे हम कव्वाल है कव्वाल, तबले की थाप पर मचाते हैं धमाल। हमारी कव्वाली सुनकर अच्छे अच्छों की बदल जाती है चाल। कौन आ रहा है हमारी चाल बदलने वाला? सरदार ये कव्वाल आए हैं। गोली से उड़ा दो इन दोनों को। अरे ये तो लात वाली नहीं,
ये तो गोली वाली है। मैडम हम तो कव्वाल कव्वाल है कव्वाल, हम लोग तो कव्वाली सुनाने के लिए आए। क्यों 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 ऐसी कव्वाली सुनाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। अगर मजा नहीं आया ना तो दोनों को गोली मार दूंगी। चल सुना कव्वाली। अरे ऐसे कैसे सुना दे, पहले कुछ सवाल होंगे कुछ जवाब होंगे उसके बाद आप समझ रही है कि नहीं। आए, आए। इश्क से हुस्न टकराएगा नहीं आए, आए। तो सुनने वालों को मजा आएगा। ठीक है तेरे हर सवाल का जवाब हजार बार दूंगी, ज्यादा चढ़ेगी तुझको तो तेरा नशा उतार दूंगी। तू बेउड़ा ही शराबी है पक्का झूठा है, शराब से तेरा नाता जरा ना छूटा है। मैं बेउड़ा हूँ शराबी हूँ मान लेता हूँ, मगर ये जान मेरी तुझ पे जान देता हूँ। सुबह होती ही न पीने की कसम खाता है, शाम होती ही हर एक वादा भूल जाता है। तू डराती है मुझे और मैं डर जाता हूँ, जो तू कहेगी करूँगा ले मान जाता हूँ। तू डराती है मुझे और मैं डर जाता हूँ, जो तू कहेगी करूँगा ले मान जाता हूँ। कभी बोतल कभी थैली में लेके आता है, शाम होते ही हर एक वादा भूल जाता है। पानी है
कभी तू माँ कभी बहनों की कसम खाता है, शाम होते ही हर एक वादा भूल जाता है। कभी अपनी कभी मेरी तू कसम खाता है, शाम होते ही हर एक वादा भूल जाता है। कभी अपनी कभी मेरी तू कसम खाता है, शाम होते ही हर एक वादा भूल जाता है। शराब अब न पीऊंगा ये कसम खाता हूँ, जो तू कहेगी करूंगा ले मान जाता हूँ। सुबह होते ही न पीने की कसम खाता, शाम होते ही हर एक वादा भूल जाता है। सुबह होते ही न पीने की कसम खाता है, शाम होते ही हर एक वादा भूल जाता है। शराब अब न पीऊंगा ये कसम खाता हूँ, जो तू कहेगी करूंगा ले मान जाता हूँ। शराब अब न पीऊंगा ये कसम खाता हूँ, जो तू कहेगी करूंगा ले मान जाता हूँ। जब से मुन्नी भाई के मरने की खबर फैली है, तब से ना तो मुन्नी भाई ने गोलियां चलाई हैं और ना ही डाका डाला है। मुझे लगता है ये मुन्नी भाई नहीं है, फिर कौन है ये? मैं मुजरा करने वाली हूँ। हाँ ये सच है कि तुम राम कटोरी हो, हमारी सरदार मुन्नी भाई नहीं हो। का कहते रे हरामजादे, हमने कहा ना हम मुन्नी भाई है, मुन्नी भाई राम कटोरी नहीं। मुन्नी भाई गोली चलाती थी, गोली तुम्हारी तरह से गाना नहीं गाती थी। पहचान लिया तो सुन लो सब लोग, हम राम कटोरी है मुन्नी भाई नहीं। मगर हमने मुन्नी भाई को मरते वक्त वचन दिया था कि हम उसके दुश्मनों से बदला लेंगे। कौन रास्ता रोक सकता है हमारा, कौन रोकेगा हमें? जब मुन्नी भाई का प्रेमी इंस्पेक्टर शंकर तुम्हारा रास्ता रोकेगा तब तुम क्या करोगी? उसे भी मार डालूंगी, क्योंकि मेरे लिए मुन्नी के मकसद से बढ़कर कुछ नहीं, इंस्पेक्टर शंकर भी नहीं। तुम जिंदा हो? हाँ, अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए मुन्नी भाई का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। फिर लोगों ने तुम्हारी मौत की खबर क्यों फैलाई? झूठी खबरों पर भरोसा मत करो शंकर, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बदला लेना है अपनी मरी हुई बहन का और अपने बाप का। नहीं, मैं किसी के खून से तुम्हारे हाथ रंगने नहीं दूंगा। तुम अभी और इसी वक्त अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जिस दिन मेरी कसम पूरी होगी उस दिन मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। देखो मेरे आदमी ने तुम्हें घेर लिया है, अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगी। हीरा भाई गजब हो गया। क्या हुआ रे, क्या बंदूक गोली उगलने के बजाय गाना गाने लग गई है, या फिर घोड़ी घास के बदले में पत्थर चबाने लग गई है? नहीं, वह मुन्नी भाई मरी हुई मुन्नी भाई फिर से जिंदा हो गया। मुन्नी भाई जिंदा है? हाँ सच कह रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से मुन्नी भाई को जिंदा देख करके आ रहा हूँ। और वो इंस्पेक्टर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथों से बच के सांप निकल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुन्नी भाई तुम्हारे हाथों से इस तरह निकल जाएगी जैसे हवा पेड़ों को थप्पड़ मारकर निकल जाती है। लेकिन सर, देखो पहले मेरी बात सुनो। इस वक्त डाकू शेर सिंह को थाने से जेल की तरफ ले जाया जा रहा है और रास्ता मुन्नी भाई के इलाके से होकर गुजरता है। सरदार एक खास खबर है तुम्हारे लिए। क्या खबर है रे? सरदार शेर सिंह को थाने से जेल ले जाया जा रहा है। आज पुलिस वाले उसे लेकर हमारे बिहड़ से गुजरेंगे। अब वक्त आ गया रे शेर सिंह का हिसाब अपने कंधों से उतारने का। सरदार वो रही जीप जिसमें शेर सिंह को जेल लेकर जा रहे हैं। वो अदालत नहीं जाएगा बचुआ, वो हमरे संग जाएगा। चलो
इंस्पेक्टर शंकर, मुन्नी बाई ने डाकू शेर सिंह को पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया और तुमने कुछ नहीं किया। कहीं तुम बात पूरी कीजिए सर, अधूरी बात मेरे दिल में कांटा बनकर चुभती रहेगी। मैं कह रहा था कहीं तुम्हें मुन्नी बाई से प्यार तो नहीं हो गया? हाँ मुझे प्यार हो गया है और भी बहुत कुछ हो गया है, लेकिन मुझ पर भरोसा कीजिए सर, जिस दिन मैंने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की उस दिन आपको मेरे मरने की खबर मिलेगी। तुम मुन्नी बाई हो? हम मुन्नी बाई नहीं शेर सिंह, हम तो राम कटोरी हैं, वही राम कटोरी जिसको तुमने ठाकुर के हाथों से बचाया था। तुम राम कटोरी हो तो मुन्नी बाई कहाँ है? वो ठाकुर के हाथ मारी गई और दुश्मन से बदला लेने के लिए हमें बंदूक उठानी पड़ी, इसीलिए हम मुन्नी बाई बन गए। और एक से भले दो होते हैं भैया, आओ हम दोनों मिलकर अपने दुश्मनों की हस्ती को मिटा डालें। भाई कहा है तो साथ जरूर दूंगा। पर आप जैसे शरीफ आदमी को बंदूक उठाने पर किसने मजबूर किया? आपको महाकाल ने। ये मेरा हुक्म है, आज डाका डालने मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ और कोई नहीं जाएगा। लेकिन सरदार, रामगढ़ में पुलिस का जबरदस्त पहरा है, आप गए तो मारे जाओगे। ऐसा करिए, हीरा भाई को भेज दीजिए। तू ठीक कहता है रे, भला मैं क्यों कुत्ते की मौत मरूं? जाओ, मेरा हुक्मनामा हीरा को सुना दो। हीरा भाई, तुम्हारे बापू का हुक्म है कि तुम रामगढ़ गांव में आज डाका डालने जाओगी। ठीक है बापू, तेरे हुक्म पर तेरे लिए कई सारे लाशों के ढेर लगा दूंगी, आज रामगढ़ डाका डालने जरूर जाऊंगी। चलो। पुलिस? सब तैयारी हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई, नौटंकी की नचनिया आ गई। हाँ हाँ। भाई देर नहीं होनी चाहिए, समझे? नहीं नहीं नहीं। क्या बात है साहब, आप किसे ढूंढ रहे हैं? डाकू हीरा बाई को। अरे डाकुओं का यहाँ क्या काम, यहाँ नौटंकी होने वाली है। अच्छा, तो नौटंकी है, इन पुलिस वालों से बचने का तो यही रास्ता है। चल हीरा। चले गा बिहार, उठे दूंगी चुन्नी हटा, चले के चले
गया और रामगढ़ में डाका मारने गई थी, कहीं बिहार तो नहीं चली गई रे? मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगी बापू, वो तो पुलिस वाले हाथों के पीछे पड़ गए थे, इसलिए नौटंकी करनी पड़ी। अच्छा, तो तू नौटंकी करती रही और पुलिस वाले खाली प्याले में टूटू टूटू चम्मच लाते हुए रह गए। अबे ओ मेरे चमचे, मेरी नाक के गमचे, अबे हाथ पे हाथ रख कर क्यों बैठा है लड़की का शिकार खेल? अरे ठाकुर साहब, मैं एक लड़की को बेला रहा हूँ, अरे फुसला रहा हूँ, अपने कमीने बनिए जो है दिखला रहा हूँ। सरदार सरदार, वो मंगलू फिर आज कमीने पन पे उतर गया है। कौन मंगलू रे? अरे वही मंगलू, टकले ठाकुर का खास चमचा, जो आपको एक बार ठाकुर के पास उठा कर ले जाने वाला था। अच्छा, आज उस दल्ले की ऐसी की तैसी। अरे मैंने बहुत सी माँ बहनों को कोठे पर बिठाया है, नचवाया है, तुझे भी नचाऊंगा, तुझे भी बिठाऊंगा। अरे जरा तू पहले नीचे बैठ और मेरी बात सुन। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे ना कोठे पे बैठना है ना नाचना है, मैं चली। अरे मंगलो, अरे मुन्नी भाई तू कमीने, ना जाने तूने कितनी मासूम लड़कियों को कोठे पर बिठाया है और बाजारों में नचवाया है। अरे मुन्नी भाई, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं किसी माँ किसी बेटी को नहीं नचवाऊंगा, नहीं नचवाऊंगा। औरत जात की भाड़ खाने वाले भड़वे, ये तू क्यों भूल गया कि औरत एक माँ भी है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने, कुत्ते हरामी। इससे पहले मुन्नी भाई मुझे गोली मार दे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। भाग सकता है तो भाग, भाग। चमचा मंगलू मर गया, कुंदन गया, मंगलू गया, चंदन गया, अब किसकी बारी है? अब मेरी बारी है हीरा भाई। अरे तेरी जवानी, मैं सारा नशा तेरे ऊपर उतारूंगा हीरा भाई। जो सोच रहा था बहुत बुरा सोच रहा था, मुझे अपनी मौत नजर आ रही है, नहीं, नहीं, अब मुझे मौत को बुलाने के लिए फिर से नशा करना पड़ेगा। जो मौत से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं वो बेमौत मरते हैं। मैं नहीं मरूंगा। मरेगा साला। का पानी 20 रुपए की रानी, अरे कितनी जालिम है तेरी जवानी। ना मैं रानी हूँ ना मैं पानी, कुत्ते, मैं तेरी मौत की निशानी हूँ। मौत नहीं, तू है मलाई, तूने मस्त मस्त नजरों से मुझे शराब पिलाई। अच्छा, आज तू नशे में है, आज मारूंगी तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कितनी दर्दनाक मौत मरा है। मैं तुझे मारूंगी
मगर होश में मारूंगी। क्या मुन्नी बाई ने गब्बर को इसलिए छोड़ा कि वो नशे में था? हाँ, मुन्नी बाई का कहना है कि वो गब्बर को होश में मारेगी। अरे उसको कहो कि होश में ना आए, नशे में ही रहे और ट्रेन पकड़ कर तू 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 भाग जाए। अगर ट्रेन निकल गई तो फिर इंजन बनकर रेल की पटरी पर दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे। मुन्नी भाई तू, अरे ओ गब्बर, ना ही तू इंजन है ना ही तू ट्रेन का डिब्बा, फिर काहे ट्रेन की पटरी पर भागत है? अरे मेरा बस चलता तो हवाई जहाज बन के उड़ जाता, अरे कम से कम तेरे हाथों से मरने से तो बच जाता। मैं तुझे हवाई जहाज तो नहीं बना सकती गब्बर, लेकिन हवा में उड़ा जरूर सकती हूँ। नहीं मुन्नी भाई, मुझे मत उड़ा। सुन मेरे बंदूक की गोली की बोली, नहीं, और उड़ जा पहन कर मौत की चोली। मिटा दिया, अरे गब्बर तेरी हस्ती को मिटा दिया, तुझे गोलियां मार मार के रेल की पटरी पर लटा दिया। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई ये मत समझना कि तूने गब्बर को मारकर बहुत बड़ा तीर मार दिया है। ठाकुर, तू किस जमाने में रहता है रे? आजकल तो तीर और तलवार की जगह AK-47 का जमाना है, एटम बम का जमाना है। मुन्नी भाई, मुझे ऐसा वैसा मत समझ, मैं एटम बम हूँ एटम बम, मैं तुझे मारूंगा नहीं बल्कि जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। अच्छा, ये पत्थर देखा है ठाकुर? पहले ये पहाड़ी की उस चोटी के सर का ताज था, तेरी तरह आंकड़ा टूट के बिखर गया, तू भी मरेगा इसी तरह मरेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम मरेंगे नहीं, और अगर मर भी गए तो फिर जिंदा हो जाएंगे, फिर मर गए फिर जिंदा हो जाएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार। दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, आज मैं शादी करने जा रहा हूँ, लड़की बचपन की और मैं बचपन का, आज मैं आखिरी शादी करूंगा और इस शादी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुन्नी भाई, मुन्नी भाई मेरी मदद करो, टकला ठाकुर मेरी छोटी बहन से जबरदस्ती शादी कर रहा है। टकला ठाकुर, आज तेरी शादी नहीं बर्बादी होगी बर्बादी, छुप सकता है तो छुप ले। कहाँ छुपू, अरे कहाँ छुपू, पगले ओ पगले, ओए ओ पगले, ओ पगला डाकू, अबे पगले पगले, अरे मुझे बचा ले, मुन्नी बहुत बनकर मेरा पीछा कर रही है। कहाँ छुपू, हाय कहाँ छुपू, कहाँ छुपू, हे कहाँ छुपू, यहाँ छुपू, यहाँ छुपू, यहाँ छुपू। काश मैं चूहा होता तो किसी बिल में घुस जाता, खटमल होता तो किसी खाट में घुस जाता, पानी होता तो गंदे नाले में बह जाता, पर मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ टकला हूं टकला। हाय हाय, मुन्नी भाई आ गई, मेरी मौत आ गई। टकला ठाकुर, कहां छुपाए रे, बाहर निकल। मुन्नी भाई, ओ मेरी मां, तू जी जाए मुझे मार ले, पर पर भर के लिए मुझे छोड़ दे ताकि मैं शादी कर सकूं। शादी नहीं, तेरी बर्बादी होगी बर्बादी, आज मैं तुझे वहां भेजूंगी जहां से कोई वापस नहीं आया।
भाई को मार डाला। पर कुछ भी कहो, दुनिया में वो सबसे बड़ा कमीना था, मैं अंगूठी हूँ वो नगीना था। मुन्नी भाई ने चाचा को मार डाला और पुलिस कुछ नहीं कर सकी? चिंता मत कर, जी चाहता है कि मैं कमिश्नर के पास जाऊं और सारी बातें उगल दूं। नहीं बाबू, वहां मत जाना वरना अंदर हो जाओगे। तो फिर मैं क्या करूं, किधर जाऊं, सारी बातें कमिश्नर से कैसे करूं? ये लो सरदार। ये कौन सी मिठाई है रे? मिठाई नहीं, मोबाइल है सरदार। बिना तार का टेलीफोन, कमिश्नर से जी भर के बातें करो। जी भर के? हेलो, पुलिस कमिश्नर अर्जुन सिंह हियर। कमिश्नर जी, मैं पगला बोल रहा हूँ। देखिए ना, आपके राज में मुन्नी भाई ने मेरे भाई को मार डाला, मेरे साथियों को मार डाला। आप ऐसा करिए कि मुन्नी भाई को जल्दी से पकड़ लीजिए। बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास सबूत हो तो। कमिश्नर जी, सबूत ढूंढना आपका काम है, हम डाकुओं का नहीं। अगर फर्ज करो सबूत नहीं मिलता तो फिर भी मुन्नी भाई को गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, अगर बगैर सबूत गिरफ्तार करने की इजाजत होती तो सबसे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को गिरफ्तार करता, क्योंकि आज से 12 साल पहले तुमने मुन्नी भाई के बाप का कत्ल किया, उसकी बहन की इज्जत लूटी, चुन का बीज तुम बोते हो और फसल हमसे काटने को कहते हो। देखो, अगर तुम मुन्नी भाई के हाथों मरना नहीं चाहते तो अपने सारे जुर्म कबूल करके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, समझे? अरे बाप रे, ये कमिश्नर तो बहुत ही गुस्से में है। अब लगता है कि हमारे हर अड्डे पर छापा मारेगा, हर आदमी को गिरफ्तार करेगा। उसे पता नहीं हम भी पगले हैं, जो दरोगा भेजेगा बेमौत मारा जाएगा। बोल, कभी हमें पकड़ने के लिए आएगा, हमारे काले धंधे पर छापा मारेगा? हाँ हाँ, मैं मरते तब तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तू कातिल है, मुजरिम है, मैं तुझे पकड़ के दम लूंगा। हमसे टकराने का अंजाम जानता है तू? याद रखना, तू कोई ना कोई तेरे जुर्मों की सजा देने जरूर आएगा। तो आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब्बर सिंह, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पुलिस वाले पर हाथ उठाए? वाह मुन्नी भाई वाह, डाकू होके पुलिस वाले से हमदर्दी? क्योंकि ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर बहुत कम रह गए रे। अच्छा, और अगर ये भी मर गए तो जनता की आखिरी उम्मीद भी मर जाएगी रे, और मेरी तरह सब डाकू बन जाएंगे। नहीं रे नहीं जब्बर, मैं इसे ऐसे मरने नहीं दूंगी और तुझे जीने नहीं दूंगी। मुन्नी भाई, अगर तू मुझे एक रात दे दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अच्छा, आजा आजा नीचे उतर, मैं तुझे रात देती हूँ रे। आजा मेरे रात की रानी, आजा। रात की रानी तो रात में आती है मेरे राजा, और ये दिन है दिन, और ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कानून का हवाला कर दो। तुम कहां चली मुन्नी भाई? यह मत समझना कि कानून की मदद करके तुम बच जाओगी। अरे बचने की किसको परवाह है रे,
पर एक बात बताओ, क्या तुम मुन्नी बाई से बहुत प्यार करते हो? हाँ, समुंदर की गहराई और आकाश की ऊंचाई से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना प्यार करते हो और अपनी मुन्नी बाई को पहचान नहीं सकते हो? क्या मतलब? अरे हम मुन्नी बाई नहीं, राम कटोरी है, उसकी हम शक्ल। वो तो बेचारी कब की मर चुकी। मर चुकी है? हाँ मर चुकी है, और हम मुन्नी बाई इसलिए बने हैं क्योंकि मरते वक्त उसकी आंखों में हमने बेबसी देखी थी। दुश्मनों को खत्म करने के अरमान उसकी आंखों में शोले बनकर दहक रहे थे, इसीलिए मुन्नी बाई बनकर उसका मकसद पूरा करने की हमने कसम खाई है। तुम ही बताओ, आज के इस दौर में नारी नारी के काम नहीं आएगी तो कौन काम आएगा? तुम्हें जो करना था कर लिया, अब मैं करूंगा जो मुझे करना है। चलो मेरे साथ। ये तुम थाने के बजाय मंदिर में क्यों ले आए? राम कटोरी, तुम्हें एक बात याद होगी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, कहा था ना? हाँ कहा था। और अभी अभी तुमने कहा कि तुम मुन्नी बाई बन गई हो और मुन्नी बाई बनके ही जियोगी, कहा था ना? और अब मैंने भी तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम राम कटोरी नहीं मुन्नी बाई, और अब तुम्हें मुन्नी बाई के प्यार का कर्ज भी चुकाना है। वो कैसे? शंकर, ये तुमने क्या किया? प्यार के लिए अपने फर्ज को भूल गए, जबकि तुमने कसम खाई थी कि फर्ज के लिए अपने प्यार को मिटा दोगे। शंकर, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं सजूंगी धजूंगी, कानों में झुमके पहनूंगी और हाथों में सुहाग की चूड़ियां। सुहाग की चूड़ियां बांध, पहले लोहे की सलाखें। हीरा भाई, हीरा भाई। कारे भगोड़े, कहां से घोड़े की तरह भागते आ रहा है? दरोगा से पीछा छुड़ा के आया हूँ, नहीं तो मुन्नी बाई ने अंदर करवा दिया था। सरदार, सरदार, मुन्नी बाई ने। बोल रहे, जल्दी बोल मुन्नी बाई के बारे में बुरी खबर। सरदार, इंस्पेक्टर शंकर ने भवानी मंदिर में मुन्नी बाई से शादी कर ली है। क्या? बहुत बुरा हुआ है पगला बापू। क्या बुरा हुआ? शंकर ने मुन्नी बाई के साथ ब्याह रचा लिया है और उसे सलाखों के पीछे बंद कर दिया है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर क्या पागल है जो एक डाकू से शादी करेगा? ये खबर मैंने अपने कानों से सुनी है। अरे पगली, कानों की सुनी का भरोसा मत कर, जाके अपनी आंखों से देख। आंखों से? ठीक है बापू, मैं पुलिस स्टेशन जाके पता लगाती हूँ कि राज क्या है। लीजिए सर, जिस मुजरिम के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान था, वो मुजरिम आपके सामने है। शाबाश इंस्पेक्टर, मुझे खुशी है कि तुमने मुन्नी बाई को अरेस्ट करके मेरे भरोसे को कायम रखा। नहीं सर, मुन्नी बाई को मैं गिरफ्तार नहीं कर सका, मुन्नी बाई मर चुकी है। मुन्नी बाई मर चुकी है? क्या, मुन्नी बाई मर चुकी है? फिर ये कौन है? सर, ये उसकी हमशक्ल राम कटोरी है। अच्छा, तो ये मुन्नी बाई नहीं, उसकी हमशक्ल राम कटोरी है। अरे क्या हुआ बेटी? जिंदगी में इतना बड़ा धोखा कभी नहीं हुआ जो आज हमारे साथ हुआ है। कैसा धोखा बेटी? क्या भैंस ने बीन बजाना शुरू कर दिया? बंदर ने मदारी को नचाना शुरू कर दिया? नहीं बापू, नचाया तो हमको है उस नचनिया ने अपनी उंगली के इशारे पर। मुन्नी बाई के मरने के बाद खुद मुन्नी बाई बन बैठी और शंकर से ब्याह भी रचा लिया। अरे हाँ, मुझे पहले ही शक था, राम कटोरी मुन्नी बाई है, नहीं तो चंदन जैसा आदमी बिना मारे खुद मार ही नहीं सकता। अब तू जा, राम कटोरी के हाथ में मौत का कटोरा दे दे, जा। मगर वो पुलिस की हिरासत में है बापू। सरदार, सरदार, मुन्नी बाई पुलिस की हिरासत से भाग गई। अच्छा, सुन लिया बेटी, तेरा काम हो गया। मेरी सोई हुई तकदीर जाग गई, आज उसे मारूंगी या मर जाऊंगी, आखिरी हद से गुजर जाऊंगी। मुन्नी बाई, बाहर निकल मुन्नी बाई।
काश मैं तेरे चेहरे से मुन्नी भाई का नकाब हटाने आई हूँ राम कटोरी। तुझको तेरे औकात बताने आई हूँ राम कटोरी। बाहर निकल। राम कटोरी बता बता ये खेल तूने क्यों खेला? क्यों राम कटोरी होकर शंकर के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरा? शंकर मेरा है और मेरा ही रहेगा। शंकर मर सकता है मगर तेरे प्यार को कबूल कभी नहीं कर सकता। फिर कहा है उसके प्यार में पागल और दीवानी बनी फिरती है रे। ये मेरा पागलपन है, दीवानगी है, जिद है। शंकर को मेरा ही होना पड़ेगा। इसलिए आज जिंदगी और मौत का फैसला होकर ही रहेगा। हम दोनों में से एक को जीना होगा और एक को मरना पड़ेगा राम कटोरी। अरे चल हट, ज्यादा फड़फड़ाएगी तो तेरे पर काट लूंगी, मारूंगी बाद में, पहले तेरी कब्र खोदूंगी। कब्र तो मैं तेरी खोदूंगी राम कटोरी। तूने धोखे से मेरे शंकर को छीन लिया मुझसे। मैं ये जमीन तुझ पे तंग करूंगी और भयानक से भयानक मौत मारकर सारी दुनिया को तंग करूंगी राम कटोरी। एक बार मार खा के भी तेरी अकड़ ठिकाने लगी नहीं, तेरी खोपड़ी की घंटी बजी नहीं। अरे आज इस मौत के खेल का खत्म मैं करके रहूंगी। पोछले मेरे पगले डाकू और शराब की जगह खून पीने की तैयारी करें। अजा अजा, अगर वो इंस्पेक्टर ने डाकू से शादी की है इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब तू देखना पगला डाकू, अब उन दोनों का प्यार ही उनकी जान का दुश्मन बन जाएगा।
आओ शंकर सिंह आओ, ये सन्नाटा भरा वीराना तुम्हारा स्वागत करता है। आओ। कौन हो तुम? मैं हूं डाकू महाकाल, जिसने पगला डाकू के साथ मिलकर ये जाल बिछाया। तो मुन्नी भाई कहाँ है? आएगी शंकर सिंह, मुन्नी भाई भी आएगी। जैसे ही तेरे नाम की चिट्ठी उसे मिल जाएगी, तिल मिलाती झिल मिलाती और बलखाती आएगी। इतना याद रख महाकाल, तूने मुन्नी भाई को नहीं अपनी मौत को बुलाया है। क्या खबर लाए रे बचुआ? मुन्नी भाई एक चिट्ठी लाया हूँ। मुन्नी भाई, तेरा इंस्पेक्टर शंकर मेरे कब्जे में है, अगर उसको बचाना चाहती है तो अकेली काली पहाड़ी पर चली आओ, तुम्हारा पगला डाकू। आ गई मुन्नी भाई, आ गई। चिट्ठी मिलते ही चीखती चिल्लाती आ गई, आ गई। पगला डाकू, शंकर कहाँ है? शंकर को आजाद कर दे, नहीं तो बिजली बनकर गरजूंगी, बादल बनकर बरसूंगी। हाँ, तू ना बिजली है ना बादल, तू तो सिर्फ एक छोटी सी राम कटोरी है, जो डाकू का पहन के चोला, चलिए पगले डाकू के मौत का उठाने डोला। पहाड़ों के सीने फट जाएंगे, ये पत्थर कफन बनकर तेरे बदन से लिपट जाएंगे। मुन्नी, ओ मुन्नी, जरा सुराईदार गर्दन उठा और देख चारों तरफ, तू तू मौत के पंजे में फंस चुकी है। चारा, अरे तू तो हमरे लिए चारा है चारा। वो बेचारा शेर सिंह जब तुम्हें बचाने आएगा ना, तो उसका नाता कीधड़ की मौत से जोड़ा जाएगा। महाकाल, तू समय के सीने पर वो जहरीला फोड़ा है, जिसे अगर फोड़ा ना गया, तेरा नाता मौत से जोड़ा ना गया, तो दुनिया को तू आग लगा देगा। इसलिए पगला डाकू के साथ तुझे भी उड़ाऊंगी, और ये तय है कि तुम दोनों की अर्थी चार चार कांधों पे उठाऊंगी। अच्छा, इंस्पेक्टर शंकर की मौत का दुखड़ा कोई नया बखेड़ा खड़ा ना कर दे, इसलिए वो बंदूक जमीन पर फेंक दे और तेरा मुखड़ा उधर मोड़ दे। जा, तेरा यार बंदूक की नाली पर मौत की गाली सुनने के लिए खड़ा है, उधर मोड़। मेरे लिए हौसला मत छोड़ना, लड़ो खूब लड़ो, अपना पूरा बदला लो, तुम मेरी परवाह मत करना। पगला महाकाल, मैं हार गई, मैं हार गई, मार डालो मुझे, लेकिन एक शर्त पर, मेरे शंकर को छोड़ दो, मुन्नी भाई के शंकर को छोड़ दो। अगर अपने शंकर को बचाना चाहते हो तो झूम और हमरे पैरों को चूम। शेर सिंह अपनी बहन की मौत का गम सीने में लेकर पहाड़ों से सर टकराता रहा, वीराने में मेरा नाम ले लेकर चिल्लाता रहा, मगर तेरे हाथ कुछ न लगा, क्योंकि मैं छलावा हूं छलावा, जो मरने के लिए मरघट तक तो पहुंच जाता है लेकिन मौत को धोखा देकर वापस आ जाता है। हाँ, मैं वापस आ गया हूं तेरी तलाश को खत्म करने के लिए। अगर जिंदा जलने का शौक है तो मुझसे मिलने काली पहाड़ी पर आ जा काली पहाड़ी पर, तेरा दुश्मन महाकाल। महाकाल, यही मेरी बहन की चीखें गूंजी थी और आज यही तू अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेगा। अरे मौत का तंदूर बनकर दहकने वाले,
अपनी ताकत के नशे में बहकने वाले। अच्छा हुआ तू यहां आ गया। तूने मेरा जीना हराम कर दिया था। आज मैं तुझे मौत का गुलाम बनाकर मार दूंगा और तेरी दहशत का डर अपने सर से उतार दूंगा। बहुत बकवास सुन ली तेरी। अब मैं भी तुझे इस तरह मारूंगा जिस तरह बारूद पहाड़ के चीतड़े उड़ा देता है। मैं बारूद से भरा मर्दूद हूं। मुझ में सूरज से ज्यादा गर्मी है। जब तक दूर था तब तक जिंदा था, मगर आज तुझे चलाकर राख कर दूंगा, आसमान के सीने में छेद कर दूंगा। छेद तो मैं तेरे अंदर इतने कर दूंगा कि लोग तुझे टूटी हुई छल्ली समझकर टूटे मारेंगे। ये जुनून खत्म कर दे। शेर सिंह नहीं, मुझे बचा लो शेर सिंह। आज मेरी तलाश खत्म हुई है शेर सिंह। मुझे बहुत बार शेर सिंह।
पता नहीं ये गुस्सा ये जुनून खत्म कर दे। वाकिफ ना था तू मेरे जुनून से। नहीं नहलाऊंगा आज तुझको तेरे ही खून से।